हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू AVN चैनल। आज जैसा कि हम कह चुके थे कि टेंथ जो है उसको SSC लेवल तक कंप्लीट करेंगे, तो इसीलिए आज इसको थोड़ा सा लेवल देते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने आपको लास्ट क्लासेस में ट्रांसलेशन करना और इस तरीके की जो भी चीज़ें थी वो मैं आपको बता चुकी हूँ लास्ट क्लास में। अभी हम आज जो कुछ क्वेश्चंस करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं और मैं आपको रूल्स अलग से नहीं बताऊंगी कि एक एक रूल हम पहले लिखेंगे उसके बाद में उसके क्वेश्चंस करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। तो आपको मैं रूल क्वेश्चंस कराती जाऊंगी, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो रूल्स अपने आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो टेंस है वो आज हम प्रेजेंट सिंपल लेने वाले हैं, और इस प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमें क्या देखना है बेसिकली, ये देखते हैं। अब ट्रांसलेशन बेस्ड जो LDC वगैरह में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे, आज हम SSC किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है उस तरीके के क्वेश्चंस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रही हूँ, तो प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट को हम यूज़ कहाँ पर कर सकते हैं, है ना। तो यूज़ करने के लिए सबसे फर्स्ट जो आ जाता है वो हमारा रूल हो जाता है फॉर यूनिवर्सल फैक्ट, या यूनिवर्सल ट्रुथ भी कह देते हैं हम इसको। तो यूनिवर्सल फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए हम जो टेंस यूज करते हैं वो टेंस कौन सा हो जाता है हमारा, प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब जो चीज़ें बदली नहीं जा सकती हैं, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एक कॉमन सा एग्जाम्पल ले रही हूँ उसके बाद हम बात करते हैं। यहाँ एक सेंटेंस लिखा मैंने, द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस है, अगर मैं यहाँ पर आपसे कहती हूँ कि आपको एस लगाना सही होगा या गलत होगा, अभी तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात हो रही है तो इसीलिए ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है और यूनिवर्सल फैक्ट को हम प्रेजेंट सिंपल में ही बनाते हैं। बट अगर आप लोगों को ये बात पता ना हो तो देखते हैं एक बार क्या हो जाएगा यहाँ पर। अगर मुझे ये बात पता नहीं है और मुझे एग्जाम में एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन दिया है वो इस तरीके से दिया है कि मुझे यहाँ पर राइज वर्ब को फिल करना है, ठीक है, फ्रॉम द ईस्ट, और मुझे वही चार ऑप्शन दिए गए हैं, तीन तो वर्ब के ऑप्शन दे दिए, राइज, रोज और राइजन, ठीक है, और फोर्थ मुझे ऑप्शन दे दिया इज राइजिंग, ठीक है। तो अगर ये चारों ऑप्शंस मुझे दिए गए हैं तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन यहाँ फिल करना या कौन सा ऑप्शन यहाँ रखना सही होगा, ये हमें कैसे पता लगेगा। तो ये पता लगने के लिए यहाँ पर जो वर्ब दे रखी है वो राइज दे रखी है, और ये जो सेंटेंस है वो किस टाइप का सेंटेंस है, एक यूनिवर्सल फैक्ट है, यानी कि सार्वभौमिक सत्य है जिसे बदला नहीं जा सकता किसी भी कंडीशन में। तो अगर मैं यहाँ पर राइज की सेकेंड फॉर्म लिख देती हूँ रोज, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि सूरज जो है वो पूरब से उगता था। तो इसका क्या मतलब है कि आज कहां से होगा या फ्यूचर में कहां से उगेगा। तो यूनिवर्सल फैक्ट के साथ में हम क्या नहीं कर सकते, कभी भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जो भी टेंस रहेगा वो हमेशा सिंपल में ही रहेगा, प्रेजेंट सिंपल में ही रहेगा, ठीक है। और इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, और कौन सा एग्जांपल इसका हो सकता है, जैसे कि मैंने लिखा मैन नीड्स एयर एंड वाटर टू लिव, कि मनुष्य जो है उसको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, एयर एंड वाटर चाहिए। अब ये भी तो एक यूनिवर्सल फैक्ट ही है कि आपको जिंदा रहने के लिए हवा और पानी चाहिए, क्या हवा और पानी के बिना कोई जिंदा रह सकता है, नहीं रह सकता। तो ये भी एक यूनिवर्सल फैक्ट हुआ। तो यूनिवर्सल फैक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि सबसे पहले सेंटेंस में क्या दे रखा है, हमें सब्जेक्ट दे रखा है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब दे रखी है, और वर्ब के बाद में हमें ऑब्जेक्ट गिवन है। तो ऐसे देखने में तो सेंटेंस ठीक ही लग रहा है, और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस तरीके के जो सेंटेंस हैं वो प्रेजेंट सिंपल में बनते हैं, तो डेफिनेटली इस सेंटेंस को बनाया भी प्रेजेंट सिंपल से ही है, तो ये सही लग रहा है। बट जरा ध्यान से देखिए कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो MEN लिखा हुआ है, MAN लिखा हुआ नहीं है। और मैंने आपको जो टेंस की फर्स्ट क्लास थी आई थिंक उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हमारे पास सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है, यानी कि जो काम को कर रहा है वो सिंगुलर है, तो उस कंडीशन में तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एस या ई एस आपको यानी कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज करना है, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, MEN, दैट मीन्स प्लूरल दे रखा है। तो प्लूरल अगर गिवन है तो प्लूरल के साथ में आपको क्या नहीं करनी है, एस वाली वर्ब का यूज नहीं करना। दैट मीन्स यहाँ पर सही सेंटेंस क्या होगा, मैन नीड एयर एंड वाटर टू
लिव। क्लियर है सभी को? तो ये तो बात हो गई कि हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को कब यूज कर रहे हैं। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम कब यूज कर रहे हैं? जब हमारे पास में कोई यूनिवर्सल फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रुथ गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि और कहां पर प्रेजेंट सिंपल को हम यूज कर सकते हैं, तो और कहां पर प्रेजेंट सिंपल को यूज किया जा सकता है, कुछ एक्शंस होते हैं जिनको हम हैबिचुअल एक्शंस कहते हैं। हैबिचुअल एक्शन का मतलब जिनको करने की हमारी आदत ही है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एक कॉमन एग्जांपल ले लेती हूँ यहाँ पर, एक बात ध्यान रखेंगे आप लोग, एवरी और डे को अलग अलग लिखा जाता है, एवरी डे को कभी साथ में नहीं लिखा जा सकता। ये एरर नहीं, ब्लंडर है। अगर आप एवरी और डे को एक साथ लिखते हैं तो ये दोनों वर्ड अलग अलग दिए जाते हैं, और कई बार SSC ने CPO में इस तरीके की एरर को पूछा भी है, जिसमें आपके पूरे सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं थी, एरर केवल एक जगह थी कि एवरी और डे को वहां पर एक साथ ज्वाइंट करके लिखा हुआ था, और वही चीज हम समझ नहीं पाए कि ये एवरी डे में भी कोई एरर हो सकती है। तो एवरी वर्ड अलग है और डे वर्ड अलग है, तो ये दोनों अलग अलग ही लिखे जाएंगे। तो ये एक तरीके का हैबिचुअल एक्शन हो गया, यानी कि मेरी हैबिट है कि मैं डेली सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस हैं या हैबिचुअल जो एक्शन है, अब अक्सर हमें ये कंफ्यूजन हो जाता है कि जो हैबिचुअल एक्शंस हैं वो रोज परफॉर्म होते हैं, कहने का मतलब है वो डेली परफॉर्म होंगे। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो हैबिचुअल एक्शंस हैं वो डेली ही परफॉर्म हो। मेरे कहने का मतलब है कि कुछ हैबिचुअल एक्शन ऐसे भी होते हैं जो हम वीकली परफॉर्म करते हैं। जैसे कि मैं कह सकती हूँ कि मैं हर संडे को घूमने जा रही हूँ या घूमने जाती हूँ, ठीक है। तो अगर मैंने ये कहा कि मैं हर संडे को घूमने जाती हूँ, तो ये भी एक हैबिट है कि जैसे ही संडे आएगा तो मैं घूमने के लिए जाऊंगी। इसको आप हैबिचुअल एक्शन और रेगुलर एक्शन लिख लो। इससे आपको मेरी बात क्लियर हो जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यानी कि रेगुलर एक्शन, जो काम आप रेगुलर बेसिस पर कर रहे हैं, डेली जिस काम को आप कर रहे हैं, वही आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस हो जाएगा, ठीक है। कि और कहां पर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज कर सकते हैं, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज करने के कई तरीके हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे कहती हूँ, कुछ सेंटेंसेस हमारे ऐसे होते हैं जो हेयर एंड देयर से स्टार्ट होते हैं। हेयर एंड देयर से मेरा मतलब है कि हम ऐसा कहते हैं, ये देखो ये यहाँ से आ रहे हो। किसी को पर्टिकुलर पॉइंट आउट करना या किसी को टॉन्टिंग वे में कुछ कहना जो होता है, जिसमें सेंटेंस आपका हेयर एंड देयर से स्टार्ट हो एंड लास्ट में आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क आए, तो उस कंडीशन में भी हमें प्रेजेंट टेंस ही यूज करना होता है। फॉर एन एग्जांपल देखिए, ये सेंटेंस है हेयर कम, जो वर्ब है वो आपको इसके अंदर फिल करनी है कि कम जो है वो किस तरीके से आ सकता है इसके अंदर। द मोस्ट एलिजिबल बैचलर ऑफ द कॉलेज, ठीक है, ऑफ आर कॉलेज या ऑफ द कॉलेज, है ना। तो मैं इस सेंटेंस से क्या कह रही हूँ, ये देखो ये हमारे कॉलेज का सबसे एलिजिबल बैचलर है। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस हैं उनमें भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पर इस सेंटेंस को मैंने किससे स्टार्ट किया, हेयर से, ठीक है। और यहाँ पर देखिए लास्ट में आपको एक एक्सक्लेमेटरी मार्क भी दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस तरीके के जो सेंटेंसेज हैं ये सेंटेंस हमेशा किस में बनने वाले हैं, प्रेजेंट सिंपल में। तो प्रेजेंट सिंपल के अकॉर्डिंग सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो कोई लड़का है ना, द मोस्ट एलिजिबल बैचलर, यानी कि सेंटेंस का सब्जेक्ट एक सिंगुलर है, एक की बात हो रही है, द वर्ड यूज हो रहा है। द हम स्पेसिफिक चीजों के लिए लगाते हैं, किसी एक को पॉइंट आउट करने के लिए। तो यहाँ पर जो है कम की जगह क्या हो जाएगा, कम्स हो जाएगा। तो हेयर कम्स द मोस्ट एलिजिबल बैचलर ऑफ आर कॉलेज, ठीक है। और देख लेते हैं एक एग्जाम्पल, हेयर कम द लकी नंबर 7, इस तरीके का सेंटेंस बोलते हैं ना, ये देखो ये लकी नंबर 7 है, ठीक है। तो यहां पर भी सेम वही बात है कि हेयर से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है और सेंटेंस के लास्ट में आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क दिखाई दे रहा होगा, तो ये दोनों जो चीजें अगर आपको दिखाई दे रही हैं तो वो जो टेंस हो जाता है वो आपका कौन सा हो जाता है, प्रेजेंट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल में कॉमन सी बात है, लकी नंबर 7 ये एक नंबर है, तो इसके लिए आप क्या यूज करेंगे यहां पर, हेयर कम द लकी नंबर 7, ठीक है। एक नेक्स्ट, अगर मैं बात कर रही हूँ कि और कौन कौन सी ऐसी जगह हो सकती हैं जहाँ पर प्रेजेंट सिंपल को हम यूज़ कर सकते हैं, तो प्रेजेंट सिंपल को और जगह पर यूज़ करना, जैसे कि जो न्यूज़पेपर होता है आपका, उसकी जो हेडलाइंस आती हैं, वो हेडलाइंस हमेशा कौन से टेंस में आती हैं, प्रेजेंट सिंपल में आती हैं, ठीक है। या फिर जो कॉमेंट्री होती है मैच की, वो भी आपकी प्रेजेंट में ही होती है। अब आप मुझसे कहोगे कि जो न्यूज़पेपर है उसकी जो हेडलाइन है वो तो पास्ट में हो चुकी है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर वो पास्ट में कंप्लीटेड एक्शन है तो उसको हम प्रेजेंट सिंपल में कैसे बना सकते हैं, तो उसको प्रेजेंट सिंपल में कैसे बनाया जा सकता है,
क्योंकि जो आपका न्यूज़पेपर है या जो कमेंटेटर है वो उस बात को जब डिलीवर कर रहा है तो वो तो यही सोच रहा है कि ये बात मेरे ही थ्रू फर्स्ट टाइम बताई जा रही है और ये बात किसी ने कभी भी नहीं बताई है। तो अगर फर्स्ट टाइम किसी चीज़ को किसी के थ्रू डिलीवर किया जा रहा है या बताया जा रहा है तो उस कंडीशन में प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज़ होता है। ठीक है, अभी हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। डेफिनेटली कुछ एग्जाम्पल्स लिखे मैंने यहाँ पर। फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है आपका शी हैबिचुअली डैश वर्ब आपको फिल करनी है कम लेट। ठीक है, अब यहाँ पर तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए क्योंकि जब मैंने आपको फर्स्ट कंसेप्ट बताया तो उसी में मैंने आपसे ये बात बोली थी कि जो हैबिचुअल एक्शंस हैं वो हैबिचुअल एक्शन कौन से टेंस में परफॉर्म होते हैं, प्रेजेंट सिंपल में। तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये प्रेजेंट सिंपल हो गया। कम के अकॉर्डिंग ये सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम्स हो जाएगा। तो शी हैबिचुअली कम्स लेट। नेक्स्ट जो टेंस है उसकी अगर मैं बात कर रही हूँ आपसे तो सरिता डैश गो टू ऑफिस एट 10 AM एवरी डे। अब इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है एवरी डे, इससे आपको ये बात क्लियर हुई होगी कि ये भी रेगुलर एक्शन है, यानी कि कोई ऐसा काम है जिसे डेली बेसिस पर परफॉर्म किया जा रहा है। और डेली बेसिस पर जो काम परफॉर्म हो रहे हैं वो आपके किस कौन से टेंस में आ रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल में। तो प्रेजेंट सिंपल के अकॉर्डिंग यहाँ पर गो के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर गोज हो जाएगा। नेक्स्ट जो टेंस है, सॉरी सेंटेंस है, दैट इज आर यू हियरिंग अ नॉइज देयर, कि क्या आपको वहां शोर सुनाई दे रहा है, ये मीनिंग आप लोगों के अकॉर्डिंग इसका निकल कर आएगा। जिसने मेरा फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर था वो देखा होगा देन डेफिनेटली उसको मेरी बात समझ में आज आ रही होगी कि यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या एरर है। ठीक है, ये जो मेन पैटर्न है इसी पैटर्न पर बेस्ड SSC क्वेश्चंस पूछता है, जिसमें आपको इस तरीके से मैंने इसको आर यू हियरिंग को अंडरलाइन किया है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, और इसको ऑप्शन ए मार्क किया है, और आगे वाला जो अनॉइज है इसको अंडरलाइन किया है और इसको ऑप्शन बी मार्क किया है। सेम ऐसे ही देयर को मैंने सी मार्क किया है, एंड फोर्थ वन जो डी ऑप्शन होता है दैट इज योर एनई मीन्स नो एरर, यानी कि ऐसा भी तो हो सकता है कि सेंटेंस में कोई गलती ही ना हो। जरूरी है सेंटेंस में कोई गलती हो, बिना गलती का भी सेंटेंस हो सकता है। तो यहां पर इस सेंटेंस में गलती ये है कि यहां पर एक वर्ड यूज किया है मैंने हियरिंग, और ये बात मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताई थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वो लेक्चर देन जाकर के उसको जरूर देखिए। तो जो हियरिंग वर्ड है ये हियरिंग यहाँ पर गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि इस हियरिंग का मीनिंग सुन रहा है या सुन रही है नहीं होता है, इस हियरिंग का मीनिंग सुनवाई हो जाता है। जो कोर्ट में सुनवाई होती है ना, जिसको हम हियरिंग कहते हैं। अब आप लोग मुझसे पूछोगे कि ऐसा कैसे हो गया, तो ऐसा कुछ वर्ड होते हैं, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूंगी इसके बारे में। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, कुछ वर्ब एक्चुअली ऐसी होती हैं जो अपने साथ कभी भी ING फॉर्म का यूज नहीं लेती, और ऐसी वर्ब जो अपने साथ कभी भी ING नहीं लेती ऐसी वर्ब्स को हम क्या कहते हैं, स्टेटिव वर्ब। ठीक है, अब बात ये आती है कि कौन कौन सी वर्ब हैं जो स्टेटिव हो सकती हैं। तो जितनी भी आपकी सेंसेशन से रिगार्ड करती हुई वर्ब है, जैसे कि मैं आपसे बात करती हूँ, कोई चीज़ है उसका टेस्ट कैसा है, ठीक है, तो टेस्टी में वाई लगा करके हम क्या बनाने की कोशिश करते हैं, उसका एडवर्ब, लेकिन वो अलग चीज हो जाती है। अगर मैं कहूँ आई एम टेस्टिंग मैंगोज, ठीक है, तो ये वर्ड यहाँ पर गलत हो गया कि मैं मैंगो को टेस्ट कर रही हूँ। हिंदी में तो हम इस तरीके के सेंटेंस बोलते हैं लेकिन टेस्टिंग कहना गलत है। टेस्टिंग का मीनिंग क्या निकल करके आ रहा है, या तो आपने उसे चख लिया है या आप चखने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके की चीजें निकल कर आती हैं। ठीक है, तो यहां पर हियरिंग, या फिर अपन एक और वर्ड मैंने आपको बताया था सी, याद है, यानी कि अचानक से दिखना, आप देखना नहीं चाह रहे थे फिर भी दिख गया। ठीक है, ऐसे हियर, आप सुनना नहीं चाह रहे थे फिर भी सुनाई दे गया। लव हेट, इस तरीके के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि किसी से नफरत है, आप करना किसी से नहीं चाह रहे हो, नफरत क्यों करना चाहोगे किसी से, बट ऑटोमेटिकली अंदर से फीलिंग ही उस तरीके की आ रही है। जैसे फीलिंग जो वर्ड है, फील जो वर्ड, आई एम फील नॉट वेल। ठीक है, तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस हैं ये, या वर्ब हैं, इन वर्ब्स को हम क्या कहते हैं, स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं। वर्ब के टॉपिक में थोड़ा डेप्थ में जाएंगे, फिलहाल इतना समझ लीजिए कि कुछ वर्ब ही ऐसी होती हैं जो अपने साथ कभी भी ING फॉर्म का यूज नहीं लेती हैं, तो इस सेंटेंस में यही एरर हो जाएगी। सेम ऐसे ही नीचे जो सेंटेंस लिखा है, आई थिंक आप लोग बता पाओगे इसमें क्या गलती है, मैंगोज आर टेस्टिंग वेरी स्वीट। अब यहां पर भी वही बात आ रही है, टेस्टी में ING वर्ड, टेस्ट में मैंने ING वर्ड जोड़ने की कोशिश की है, तो ये जो वर्ड है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस वर्ड के अंदर एरर है, दैट मीन्स इसमें बी पार्ट के अंदर एरर है। ठीक है,
चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इसी तरीके के। सेंटेंस है, द कैट विल स्क्रैच यू इफ यू डैश पुल हर टेल। ठीक है, इस सेंटेंस का सबसे पहले मीनिंग जान लेते हैं कि सेंटेंस का मीनिंग क्या है। तो जो बिल्ली है वो आपको पंजा मार सकती है अगर आप उसकी पूंछ को खींचने की कोशिश करोगे तो। ठीक है, अब यहां पर जो सेंटेंस है द कैट विल स्क्रैच यू इफ यू पुल हर टेल, अगर तुम उसकी पूंछ खींचोगे तो जो बिल्ली है वो पंजा मार सकती है। अब आप लोग सोचोगे यहां तो विल आ रहा है, और अगर विल आ रहा है तो विल का मतलब तो फ्यूचर की बात हो गई, और हम पढ़ तो प्रेजेंट सिंपल रहे हैं। और यहां पर देखना जरा, कैट जो है वो आपका सेंटेंस का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं दिख रहा है कि इस सेंटेंस में दो सेंटेंस छिपे हुए हैं? पहला जो सेंटेंस है वो ये हो जाता है द कैट विल स्क्रैच यू, बिल्ली जो है वो तुम्हें पंजा मारेगी, इफ अगर यू पुल हर टेल, तुम उसकी पूंछ खींचोगे तो। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि इस एक सेंटेंस के अंदर एक्चुअली में सेंटेंस कितने हैं, दो सेंटेंस है। अगर इसमें दो सेंटेंस हैं तो दोनों में से कौन सा सेंटेंस किस तरीके से बनेगा, इस चीज को हमें आइडेंटिफाइड करना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को पहले एक बात बता देती हूँ, इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं इनको हम कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। कंडीशनल का मतलब आपको नाम से भी समझ में आ रहा होगा कि जिसमें आपको कंडीशन दिखाई दे रही है, शर्त दिखाई दे रही है। अब इसमें शर्त ही तो है, बिल्ली पंजा मारेगी, कब मारेगी, तो कंडीशन रख दी, अगर उसकी पूंछ खींचोगे तो मारेगी। समझ में आ रहा है? यानी कि जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं उन कंडीशनल सेंटेंसेस में हमेशा आपको सेंटेंस इसी तरीके के दिखाई देंगे जिसमें एक सेंटेंस जो है वो आपका फ्यूचर में होगा और दूसरा सेंटेंस आपका प्रेजेंट सिंपल में होगा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा सेंटेंस फ्यूचर में होगा और कौन सा सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट सिंपल में होगा। तो कॉमन सी बात ये हो जाती है, जो आपका कंडीशन शो कर रहा है, जो आपका मेन सेंटेंस है बिल्ली पंजा मारेगी, ठीक है, ये जो आपका सेंटेंस है इसमें आपको क्या लगाना पड़ेगा, जो मेन सेंटेंस होता है आपका या जो मेन वर्ब वाला सेंटेंस होता है उसमें आपको क्या लगाना पड़ेगा, फ्यूचर लगाना पड़ेगा। और जो बचा हुआ है उसके अंदर क्या लग जाएगा, प्रेजेंट सिंपल लग जाएगा। बट यहां पर बात एक ये भी है, अगर इस तरीके से भी किसी को समझ में ना आए तो मेरे हिसाब से ये बेटर तरीका है कि आप ये देख लीजिए कि कंडीशनल वर्ड कहाँ आ रहा है। अब आप मुझसे पूछोगे कि कंडीशनल वर्ड कौन कौन से हैं, तो आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जो कंडीशनल वर्ड है जैसे कि इफ हो गया, एज सून एज हो गया, ठीक है, और वेदर हो गया, इस तरीके के जो वर्ड हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, कंडीशनल वर्ड हो जाएंगे। तो ये कंडीशनल वर्ड या कंडीशनल वर्ड जितने भी हैं उनके बाद वाला जो सेंटेंस आप यूज करेंगे वो सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट सिंपल में लिखा जाएगा। तो प्रेजेंट सिंपल के अकॉर्डिंग पुल यू सेंटेंस का सब्जेक्ट है, यू का आपको पता है यू हमेशा अपने साथ में कौन सी वाली वर्ब लेता है, प्लूरल वाली वर्ब, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आ जाएगा, पुल का पुल आ जाएगा, देन यू पुल हर टेल। क्लियर है? तो ये वाला कंसेप्ट आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि अगर हमें किसी सेंटेंस में कंडीशन दिखाई दे रही है, कंडीशनल सेंटेंस या कंडीशनल वर्ड दिखाई दे रहा है, उस कंडीशन उस तरीके के सेंटेंसेस में जो एक सेंटेंस होता है हमारे पास में वो सेंटेंस तो हमारा बनता है किसमें, फ्यूचर में, और जो दूसरा सेंटेंस होता है वो हमारा बनता है प्रेजेंट सिंपल में। अब पहला और दूसरा इसको रिगार्ड मत करना कि हमेशा पहला ही फ्यूचर में बनेगा और हमेशा दूसरा ही प्रेजेंट में बनेगा। आप इतना ध्यान रखना जहां पर कंडीशनल वर्ड दिया हुआ है उसके बाद जो वर्ब आएगी वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में आएगी। क्लियर है? अब क्या इस सेंटेंस में दो सेंटेंस नहीं है? पढ़िए जरा ध्यान से, इस सेंटेंस में लिखा हुआ है वेट हेयर अंटिल शी डैश यू। ठीक है, यहां पर मैं एक वर्ब लिख देती हूं जिससे आप लोग वही वर्ब फिल करें इसके अंदर, और मैंने वर्ब लिखी कॉल। ठीक है, अब यहां पर दो सेंटेंस हो गए, वेट हेयर इंतजार करो अंटिल, तो अगले ने पूछा भाई कब तक इंतजार करें, तो उसने क्या कहा, जब तक शी कॉल यू, वह तुम्हें कॉल नहीं करती तब तक तुम्हें क्या करना है, इंतजार करना है। तो यहां पर भी दो सेंटेंस है हमारे पास में, और सेंटेंस में हमें कंडीशन दिखाई दे रही है, दिख रही है ना, कि तब तक वेट करना है जब तक वो कॉल नहीं करती, तो कंडीशनल सेंटेंस हो गया। तो मैंने अभी अभी आपको एक बात बताई कि कंडीशनल सेंटेंसेस में अगर हमारे पास में दो वर्ब हैं तो जो कंडीशनल सेंटेंस या कंडीशनल वर्ड के बाद आने वाली वर्ब होती है वो हमेशा कौन से टेंस में है, प्रेजेंट सिंपल में है। दैट मीन्स यहां पर क्या आ गया, शी कॉल्स यू, तो वेट हेयर अंटिल शी कॉल्स यू, तब तक वेट करो जब तक वह तुम्हें कॉल नहीं करती। क्लियर है सभी को? तो ध्यान रखना कि अगर कंडीशनल सेंटेंस है तो कंडीशनल सेंटेंसेस में भी एक जो सेंटेंस होता है हमारा कंडीशनल वर्ड के बाद वाला वो हमेशा कौन से टेंस में आता है, प्रेजेंट सिंपल में आता है। अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि एज सून एज भी क्या है, एक कंडीशनल वर्ड है, और अगर ये कंडीशनल वर्ड है
तो कंडीशनल सेंटेंस हो गया ये। अगर ये कंडीशनल सेंटेंस है तो मैंने आपको क्या बताया, कंडीशनल सेंटेंस में दो हमारे पास में वर्ब हो सकती है। अब यहां पर भी दो सेंटेंस है, आई शैल कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करूंगा एज सून एज, जैसे ही शी कम, वह आती है। देखो अगर हम हिंदी में भी ट्रांसलेशन कर रहे हैं ना तो आती है का ही सेंस आ रहा है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर जो शैल है वो बिल्कुल सही जगह पर है, और आपको मैंने बताई दिया कि जैसे ही आपको कोई कंडीशनल वर्ड दिखाई देगा तो उसी कंडीशनल वर्ड के बाद में ही आपको हमेशा कौन सा टेंस यूज करना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करना है। दैट मीन्स यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, कम्स, ठीक है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, आई शैल कॉल यू एज सून एज शी कम्स, ठीक है, मैं तुम्हें कॉल करूंगा जैसे ही वो आती है। और ये जो सेंटेंस है इसमें मैंने इसको ए मार्क किया है, इसको मैंने बी मार्क किया है, इसको मैंने सी मार्क किया है, ठीक है। और द सेंटेंस इज अ रोलिंग स्टोन विल गैदर नो मॉस, और ये एग्जाम एसएससी में मुझे भी नहीं पता कि कितनी बार आ चुका है, क्योंकि मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है, कभी CHSL में पूछा जा रहा है, कभी CPO में पूछा जा रहा है, कभी CGL में पूछा जा रहा है, कभी मेंस में आ रहा है, तो लगातार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, और बिल्कुल भी टफ नहीं है उनके लिए जिन्होंने प्रिपरेशन थोड़ी भी की है। क्यों क्या सेंटेंस है, अ रोलिंग स्टोन विल गैदर नो मॉस। अब इसको पढ़ रहे हैं अगर तो इसका मीनिंग कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यानी कि रोलिंग मतलब लुढ़कने वाला, स्टोन मतलब पत्थर, विल गैदर इकट्ठा, मतलब मीनिंग ही समझ में नहीं आ रहा है सेंटेंस का कि इसका मीनिंग क्या है। एक्चुअली ये जो फर्स्ट वर्ड आपको गिवन है रोलिंग स्टोन, ये आपका एक ईडियम है। ईडियम का मतलब आप लोगों को मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ आप लोगों से, एक मुहावरा है, और मुहावरे का मतलब समझ रहे हो, इस मुहावरे का मतलब क्या है, रोलिंग स्टोन का एक ऐसा व्यक्ति जिसका अपन कह सकते हैं ना यार इसकी बात में ही दम नहीं है, कभी क्या बोलता है कभी क्या बोलता है, अपन कह सकते हैं फिकल टाइप का जो नेचर होता है। मैं ये वर्ड आज आप लोगों को करवाऊंगी वो कैब में, है ना। तो अ रोलिंग स्टोन का मतलब है अ चेंजेबल पर्सन, यानी कि उसकी जो बात है वो बार बार चेंज हो रही है, कभी किसी चीज को लेकर के वो श्योर है, कभी अनश्योर है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि मुझे ये काम करना है या नहीं करना है। तो उस तरीके के जो लोग हैं अ रोलिंग स्टोन, उस टाइप के पर्सन विल गैदर नो मॉस, समझ में आ रहा है, उन्हें जिंदगी में कुछ भी ऐसा हासिल नहीं होता जिसे वो हासिल करना चाहते हैं। तो उस कंडीशन में अब यहां देखिए, अ रोलिंग स्टोन एक पर्सन की बात हो रही है यहां पर, अगर मैं बात कर रही हूं तो क्योंकि अ लगा हुआ है, ठीक है, तो इससे मुझे पता चल रहा है कि ये सिंगुलर है। तो अगर ये सिंगुलर है इसके साथ ठीक है, विल गैदर लगा हुआ है, लेकिन मैंने आपको एक बात बताई होगी कि जो idioms होते हैं वो आपके कौन से टेंस में आते हैं, प्रेजेंट सिंपल में, यानी कि जितने भी मुहावरे हैं वो सारे के सारे मुहावरे कौन से टेंस में आएंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस में आएंगे। तो अगर ये प्रेजेंट सिंपल है तो इसमें विल नहीं आना चाहिए, बोलो हाँ या ना, और अगर विल नहीं आना चाहिए तो यहां पर इस ए को देख करके मुझे ये बात समझ में आ रही है कि ये जो गैदर है ये भी गलत लिखा हुआ है, क्योंकि अगर सब सेंटेंस का सब्जेक्ट ही सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ तो हमें क्या करना पड़ेगा, एस या ईएस लगाना पड़ेगा। तो सही सेंटेंस यहां पर क्या हो जाएगा, रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, यानी कि एरर कौन से पार्ट में हो गई, यहां पर बी पार्ट में, क्लियर है। चलिए अब इसमें आपको एरर बतानी है, दिस इज द वुमेन दैट ऑलवेज वियर अ ब्लैक शॉल टू वर्क, ये वो औरत है जो हमेशा काम करते समय ब्लैक शॉल वियर करती है, पहनती है, ठीक है। तो अगर इस सेंटेंस को मुझे चेंज, अब इस सेंटेंस में मुझे एरर बतानी है कि इस सेंटेंस में क्या एरर है, तो इस सेंटेंस में यहां पर एरर क्या हो जाएगी, तो मुझे थोड़ा सा सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, और ध्यान से पढ़ने पर मुझे एक वर्ड दिखाई दे रहा है ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब हमेशा, और मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपसे एक बात डिस्कस की थी कि कोई भी एक्शन जो रेगुलर बेसिस पर हो रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कोई हैबिचुअल एक्शन है, यानी कि कोई आदत ही है किसी काम को करने की, तो उस कंडीशन में हमेशा जो टेंस होगा वो कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल के अकॉर्डिंग दिस इज द वुमेन, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया दैट ऑलवेज वियर, वियर यहां पर क्या है, हमारी वर्ब है, और अगर वियर वर्ब है तो वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट वुमेन सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में आपको वियर क्या लगाना पड़ेगा, एस। इसका मतलब इस सेंटेंस में कौन से पार्ट में गलती थी, बी पार्ट में गलती थी। तो सेंटेंस करेक्ट कैसे बनेगा, दिस इज द वुमेन दैट ऑलवेज वियर्स अ ब्लैक शॉल टू वर्क, क्लियर है सभी को। चलिए यहां पर आपका जो प्रेजेंट सिंपल है वो कंप्लीट है,
नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो है वो कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, या प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो बड़ा टॉपिक नहीं है, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है वो एक बड़ा टॉपिक नहीं है. तो नेक्स्ट क्लास जो होगी उसके अंदर हम ये तीनों टॉपिक्स डिस्कस कर पाएंगे. अभी जैसा कि मैं आप लोगों से कह चुकी हूँ कि जो सेशन का लास्ट होगा उसमें जितना भी हमारे पास टाइम बचेगा उस टाइम में हम ईडियम्स और वोकैब करेंगे. तो अभी हम ईडियम्स पे आ जाते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से ईडियम्स हैं. ठीक है, तो फर्स्ट अगर मैं बात कर रही हूँ आपसे, तो मैंने आज पहला ईडियम यहाँ पर लिखा है एप्पल पाई ऑर्डर. ये जो मुहावरा है बहुत बार पूछा. देखो मेरा मानना ये है कि वोकैब का जो पोर्शन है वो, चाहे आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की कर रहे हैं, बैंक की कर रहे हैं, या फिर एलडीसी की कर रहे हैं, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया है और उसमें वोकैबुलरी का पोर्शन है, तो अगर वोकैबुलरी है तो वो लिमिटेड नहीं है कि ये पर्टिकुलर सीडीएस में आएगा या पर्टिकुलर एलडीसी में आएगा या पर्टिकुलर एसएससी में आएगा, वो कुछ कहीं से भी किसी भी तरीके से आ सकता है. ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट मैंने वर्ड लिखा, फर्स्ट ईडियम लिखा है, वो फर्स्ट ईडियम है एप्पल पाई ऑर्डर. अब इस ईडियम को हम किस तरीके से लर्न कर सकते हैं हम ये सीखेंगे. सेकेंडरी इस ईडियम का मीनिंग क्या होता है हमें ये भी सीखना है. ठीक है, तो अगर आप लोगों ने एप्पल पाई खाई है तो आप शायद इस बात को आसानी से समझ सकते हो कि इसका मीनिंग क्या है, कि इसका मीनिंग क्या है. एप्पल पाई जो होता है उसमें एप्पल जो है, सेब जो है, उसके स्लाइसेस काटे जाते हैं और उन स्लाइसेस को स्लाइसेस के बीच में स्टफिंग्स भरी जाती है, और वो जो स्लाइसेस होते हैं वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक, जैसे हम ऐसे कह सकते हैं जैसे एक रुपए के एक जैसे जो सिक्के होते हैं उनको अगर हम एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर अरेंज कर रहे हैं, तो वो जो अरेंजमेंट है उस अरेंजमेंट को ही हम क्या कहते हैं, एप्पल पाई ऑर्डर. दैट मीन्स परफेक्टली कोई चीज किसी ऑर्डर में होना, उसी को क्या कहा जाता है, एप्पल पाई ऑर्डर कहा जाता है. ठीक है, दैट मीन्स परफेक्टली या परफेक्टली इन सीक्वेंस, किसी चीज का उचित क्रम में होना. जैसे कि मान लेते हैं कि आपकी मम्मी आपके कमरे में आती है और आपने सामान को चारों तरफ इस तरीके से बिखेरा हुआ है एकदम, तो वहां पर ये कहा जा सकता है कि जो रूम है वो एप्पल पाई ऑर्डर में अरेंज नहीं है. समझ रहे हो? या फिर अगर आपने चीजों को एकदम फिक्स जगह पर रखा हुआ है तो उस कंडीशन में क्या कहा जा सकता है कि द रूम वॉज इन एप्पल पाई ऑर्डर, कि जो रूम था वो किसमें था, एकदम परफेक्टली सीक्वेंस, या फिर अपन कह सकते हैं कि एकदम अरेंजमेंट जो था या ऑर्डर जो था चीजों का वो एकदम सही था, जो चीज जहां होनी चाहिए बिल्कुल वहीं पर थी. ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात कर रही हूं तो नेक्स्ट जो आपका ईडियम है वो है अवर बोर्ड. इस ईडियम का मीनिंग बताएंगे आप लोग मुझे, अवब वर्ड का क्या मीनिंग हो जाएगा. देखो अवब का क्या मतलब है, अवब जो है वो एक प्रेपोजिशन है जिसका मीनिंग होता है स्ट्रेट, सामने. बोर्ड, हम मान लेते हैं कि इसी बोर्ड की बात हो रही है जिस पर आप लोग पढ़ रहे हैं, तो अभी अगर आप लोग पढ़ रहे हैं और आपका ध्यान जो है वो पूरी तरह से बोर्ड पर है, तो जो काम आप कर रहे हैं उसको आप एकदम ईमानदारी से कर रहे हैं. समझ रहे हो? तो ईमानदारी को या ईमानदारी से काम करने वाले को हम क्या कह देते हैं कि एकदम ईमानदार है, यानी कि ऑनेस्ट है. तो ये जो अवर बोर्ड है इसका मीनिंग भी क्या हो जाता है, ऑनेस्ट, या फिर हम कह देते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड. स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब बात को सोचना. ये कुछ लोग होते हैं जो बात को बहुत नाप तौल करके बोलते हैं कि ये बात हमें बोलनी है, ये बात हमें नहीं बोलनी है, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड जो वर्ड है इसका मीनिंग है कि उसको जो बात सही लग रही है वो आपके सामने ही कहेगा, उस टाइप का जो पर्सन होता है, तो वो भी ऑनेस्टी हो गया. तो दोनों ही वर्ड जो है इनका मीनिंग क्या हो जाता है, अवर बोर्ड. तो आप जैसे यूज करते हैं ही इज अ ऑनेस्ट बॉय. अच्छा, अगर मैं सिर्फ इतना ही कहूँ सेंटेंस में, ही इज अ ऑनेस्ट, तो ये सेंटेंस सही है क्या? नहीं, ये सेंटेंस गलत हो जाता है. इस ऑनेस्ट का जो मीनिंग है, ये ऑनेस्ट जो है वो मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि कोई भी चीज जिसको आप देख सकते हैं या जिसको आप महसूस कर सकते हैं वो नाउन है. तो ईमानदारी को महसूस किया जा सकता है ना, वरना कैसे पता लगेगा कि ये ईमानदार है. ईमानदारी को महसूस किया हमने कि ये ईमानदार है, तो इसके बाद हमें कोई ना कोई नाउन तो देना पड़ेगा दूसरा. तो ही इज अ ऑनेस्ट बॉय या ऑनेस्ट गर्ल या ऑनेस्ट पर्सन, समथिंग लाइक दैट, है ना. तो अब बोर्ड हो गया. नेक्स्ट ईडियम की मैं बात कर रही हूं तो नेक्स्ट ईडियम हो जाएगा एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड और बोन ऑफ कंटेंशन.
ये दो idioms लिखे मैंने आप लोगों के सामने, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड और सेकंड जो मैंने लिखा वो लिखा मैंने बोन ऑफ कंटेंशन। बचपन में आप सभी ने एक स्टोरी जरूर सुनी होगी ग्रेडी डॉग वाली, जो लालची कुत्ते वाली कहानी थी। उस कहानी में क्या था कि वो कुत्ता दिन भर से भूखा था, शाम को जाकर के उसको एक हड्डी मिलती है, तो वो एक फ्लाईओवर या ब्रिज जो है उसको क्रॉस कर रहा होता है, तो ब्रिज को क्रॉस करते वक्त उसको अपना ही रिफ्लेक्शन पानी के अंदर दिखाई देता है, अपनी ही परछाई पानी के अंदर दिखाई देती है। तो वो क्या सोचता है कि पानी में जो डॉग है उसके पास में भी एक बोन है, उसके पास में भी एक हड्डी है, और अगर मैं इससे ये भी हड्डी छीन लूँ तो मेरे पास दो दो हड्डियाँ हो जाएंगी। ये सोच करके वो उसके ऊपर बार्किंग स्टार्ट करता है, यानी कि भौंकना स्टार्ट करता है। जब उसके ऊपर भौंकता है तो भौंकने की वजह से जो दोनों के बीच में अपन कह सकते हैं जो हड्डी थी वो भी पानी में गिर जाती है जाकर के। तो दोनों कुत्तों, अगर वो रियल में अगर वो कुत्ता होता, वो रिफ्लेक्शन ना होता, तो दोनों ही जो डॉग हैं उनके बीच लड़ाई का जो कारण थी वो क्या थी, वो हड्डी थी, और तो कोई कारण था नहीं। यानी कि बोन ऑफ कंटेंशन का मीनिंग हो गया सारे, अपन ऐसे कहते हैं ना हिंदी में मुहावरा यूज करते हैं फसाद की जड़, वही फसाद की जड़ है ये बोन ऑफ कंटेंशन, या फिर हम कह सकते हैं एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, यानी कि दो लोगों के बीच में सेब जो है वो लड़ाई का कारण है, या फिर हम कह सकते हैं दो लोगों के बीच में हड्डी जो है वो लड़ाई का कारण है। कहने का मतलब है ये फसाद की जड़ होना, रीजन ऑफ क्वारल, लड़ाई झगड़े का कारण होना। ठीक है, नेक्स्ट जो एडियम है वो है आपका एड फ्यूल टू फायर, और ये एग्जाम्पल आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि तुम क्यों आग में घी डाल रहे हो, है ना। तो वही idiom है ये add fuel, fuel का meaning होता है हिंदी में अगर मैं बात करूं तो ईंधन। तो अब आप समझ सकते हो आग में अगर ईंधन डालोगे तो डेफिनेटली आग भड़केगी, तो बात चाहे घी डालने की हो चाहे ईंधन डालने की हो, इसका मीनिंग वही होता है, बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना। एड फ्यूल टू फायर दैट मीन्स प्रिटेंडिंग समथिंग in a large sense, ठीक है। नेक्स्ट idiom की अगर मैं बात कर रही हूं तो नेक्स्ट idiom है आपका at sixes and sevens। इसका क्या मतलब है six and sevens, यानी कि किसी चीज का कोई भी चीज है, कोई भी इंसान है या कोई भी कंपनी है या कोई भी चीज है, वो बार बार सिक्स एंड सेवन्स पे होती है। यानी कि लाइफ जो, या फिर हम लाइफ का एग्जांपल ले सकते हैं, लाइफ जो है वो हमेशा एक जैसी नहीं चलती है, उसमें अप एंड डाउन्स आते रहते हैं। कभी आपको बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी या बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जो आप डिजर्व कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं, ठीक है। और कई बार वैसा भी होगा जैसा आपने सोचा नहीं होगा। तो लाइफ में जिस तरीके से अप एंड डाउन्स आते जाते रहते हैं, वैसे ही अप एंड डाउन्स के लिए ही हम किसका यूज करते हैं, एट सिक्सेज एंड सेवन्सेज, यानी कि चीजें हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है, अप एंड डाउन्स। नेक्स्ट idiom की अगर मैं बात कर रही हूं तो एट अ स्टोन्स थ्रो और इस idiom का मतलब क्या हो जाएगा, एट अ स्टोन्स थ्रो का, एक बार क्या मैं एक इंस्टीट्यूशन में क्लास ले रही थी तो वहां एक स्टूडेंट ने आकर के मुझसे कहा कि मैम मुझे नोट्स चाहिए हैं। तो मैंने किसी स्टूडेंट के नोट्स उसको प्रोवाइड करवाए और उसके बाद से उसने आना बंद कर दिया। जब ऐसा हुआ तो उस बच्चे ने आकर के मुझसे नोट्स के लिए कहा कि मैम आपने मेरे नोट्स लिए थे, वो नोट्स कहाँ गए। तो मुझे, मैंने उसको ध्यान से क्लास में ऑब्जर्व किया तो वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। तो मैंने जब क्लास में इस चीज़ का अनाउंसमेंट किया कि उस स्टूडेंट को कोई जानता है, तो एक लड़का बोलता है कि मैम वो तो मेरे घर के बिल्कुल पास में ही रहता है, इतना पास में है कि अगर मैं पत्थर भी फेंकूंगा तो उसी के घर में जाकर के गिरेगा। तो सेम ऐसा ही यहाँ पर एट अ स्टोन्स थ्रो, यानी कि आप पत्थर को एक लिमिटेड दूरी तक ही फेंक सकते हो, ऐसा थोड़ी है यहाँ से फेंकोगे और कहीं 10-20 किलोमीटर दूर जाकर के गिरेगा, पॉसिबल नहीं है, 1-1.5 किलोमीटर। यानी कि पास में होना, एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब हो गया बिल्कुल पास में होना, ठीक है, वेरी नियर। अब आपने देखा होगा कि अगर किसी को बहुत ही बुरी तरह से मारा जाता है तो वो पूरा का पूरा नीला पड़ जाता है, तो उसी सेंस में हम इस idiom को यूज करते हैं कि उसे इतनी बुरी तरह से मारा गया है कि वो काला नीला हो गया है, समझ में आ रहा है, तो ब्लैक एंड ब्लू। एंड लास्ट जो idiom है आपका वो है बर्न कैंडल्स एट बोथ एंड्स, इसका क्या मीनिंग निकल करके आ रहा है जरा देखिएगा। कैंडल को आप दोनों तरफ से जलाएंगे तो कैंडल जल्दी से खर्च हो जाएगी ना,
तो सेम ऐसा ही यहाँ पर भी है। इसका मीनिंग होता है फिजूल खर्ची करने वाला, या फिर अपन कह सकते हैं जो बिना मतलब के खर्चे करता हो, ठीक है, किसी चीज को उड़ाना एक तरीके से। तो बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स, अपन इसके लिए कह सकते हैं वर्ड साइबरेटिक। और अभी ये साइबरेटिक वर्ड जो है मैं आपको वोकैब में बताऊंगी, तो आप लोगों को इजीली लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आप सभी ने ये सारे के सारे इडियम्स आपको लंबे टाइम तक लर्न लर्न रहेंगे और आपके एग्जाम्स में हेल्पफुल होंगे। ये जो वर्ड हैं आपके छः आज के हमारे वोकैब के लास्ट वर्ड हैं ये, नेक्स्ट क्लास में इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे। जो फर्स्ट वर्ड है यहाँ पर दैट इज फिकल। फिकल जो वर्ड है इसको, इसके लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगी। एक बार क्या हुआ, मैंने अपनी एक फ्रेंड को कॉल किया, मुझे मार्केट जाना था, तो मैंने उसको कॉल किया कि तू कल मेरे साथ मार्केट चलेगी अगर फ्री है तो। तो उसने कहा यार कल तो मैं फ्री नहीं हूँ, लेकिन हम परसों चलेंगे पक्का। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने उसको नेक्स्ट डे फिर से कॉल किया, तो उसने कहा नहीं यार कल तो घर पे कोई नहीं है, तो मुझे थोड़ा घर का काम और सारी चीज़ें हैं, तो इस वजह से मैं कल नहीं जा पाऊंगी, अपन किसी और दिन चलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उसको नेक्स्ट डे कॉल किया, मैंने कहा कल फ्री है क्या? तो बोलती है नहीं यार मेरे एग्जाम्स आ गए तो मुझे थोड़ी सी पढ़ाई करनी है आज, तो कल एग्जाम देने के बाद फिर चलेंगे। तो फिर उसका वो बार बार क्या कर रही थी, कल कल कल, यानी कि मैंने उसे 3-4 बार कॉल किया और उसने डेली एक ही बात बोली, कल चलेंगे कल चलेंगे कल चलेंगे। तो मैंने भी उससे क्या कहा, यहाँ देखिएगा जरा ध्यान से, फी लिखा हुआ है ना, इस फी को मैंने फिर लिख लिया, फिर और कल, यानी कि मेरी फ्रेंड मुझे बार बार क्या कह रही थी, फिर कल फिर कल फिर कल। और इस तरीके का इंसान जो फिर कल कर रहा है, यानी कि उसकी बात में दम ही नहीं है, जो बात को बार बार क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, यानी कि चेंजेबल जो पर्सन होता है। अब अपन इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं कह सकती हूँ वॉटर इज फिकल इन नेचर, यानी कि पानी जो होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, परिवर्तनीय होती है, यानी कि अगर आप उसको फ्रिज में रख रहे हो तो वो जम जाएगा, अगर बाहर बर्फ बन गया, बाहर निकाला नॉर्मल हो गया, फिर उसके बाद धूप में रखा तो गैस बन के उड़ गया, यानी कि 3 तरीके की प्रवृत्तियां दिखा रहा है, ठीक है। तो अपन इस तरीके से जो चेंजेबल चीजें हैं उनके लिए क्या यूज कर सकते हैं, वर्ड फिकल यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा वर्ड है लाविश। इसको मैं 2 शब्दों में तोड़ रही हूं, लाविश को, लव प्लस विश में, यानी कि जहां प्यार होता है वहां इच्छाएं होती हैं। आप अपने घर में पापा से, मम्मी से, भाइयों से, उनसे डिमांड करते हो मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, तो वो सब जो आपसे बड़े हैं वो आपकी सारी डिमांड्स को पूरा करते हैं, पर सोचते क्या है कि बहुत ही खर्चीला है स्वभाव में, बहुत पैसे खर्च करता है, ठीक है। तो लाविश का मीनिंग भी क्या हो जाता है, खर्चीला। और उन्हीं खर्चों में आपके एक और खर्चा शामिल हो जाता है जब आप कहते हो कि मुझे तो बाहर में जाना है अब की बार पार्टी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्ड वर्ड लिखा हुआ है मैंने, वो बार आ रहा है साइबरेटिक में, देखिएगा ध्यान से, BARSYBARITIC। तो बार में जाने के लिए पैसों की जरूरत है, और पैसे आप बिना मतलब में खर्च कर रहे हो उसका मतलब, या मतलब में भी कर रहे हो लेकिन जहां रिक्वायरमेंट नहीं है वहां कर रहे हो, उसका मतलब स्वभाव से कैसा है, खर्चीला। तो ये दोनों ही वर्ड एक दूसरे के क्या है, यहाँ पर सिनोनिम है। ये वर्ड है आपका सगाशियस, अच्छा वर्ड है बहुत ही, और इसका सिनोनिम हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसमें एक वर्ड आ रहा है SAG, साग। अब आप सभी जानते हैं साग का मतलब जो हरी सब्जियां होती हैं, ठीक है, और जो हरी सब्जियां हैं वो खाने के लिए दादा घर पेरेंट्स जो हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो हमें बहुत फोर्स करते हैं कि ऐसी चीज़ें आपको खानी चाहिए, ये आपके लिए बहुत अच्छी हैं, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं, ठीक है। तो वैसे ही डॉक्टर्स भी कहते हैं कि जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं लाइक पालक वगैरह है जिनके ऊपर रेशे पाए जाते हैं, ठीक है, फाइबर्स होते हैं, वो आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छी हैं, आपके नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छी हैं, आपको चीज़ों को याद रखने के लिए बहुत अच्छी है। तो सगाशियस का मीनिंग, यानी कि साग खाने से दिमाग तेज होता है, और दिमाग तेज होता है उस इंसान को हम क्या कहते हैं, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान। तो सगाशियस का मीनिंग भी क्या हो जाता है, इंटेलिजेंट, ठीक है। एब्रोगेट, एक लड़का है वो आकर के मुझे कहता है कि मैम कल तो मेरे पापा ने मुझे घर से ही बाहर निकाल दिया। तो मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? तो वो बोला कि मैं ऐसे ऐसे गाड़ी के लिए जिद कर रहा था, तो गाड़ी के लिए जिद कर रहा था, तो पेरेंट्स ने भी सोचा होगा कि कोई बात नहीं दिला देते हैं। जैसे पहले तो पापा ने काफी बार उसको मना किया कि मेरे पास पैसे नहीं है अभी, मैं बाद में दिलाऊंगा, पर जब वो नहीं माना तो पेरेंट्स ने उसको लेके दे दी। तो
तो वो ऐसे पहले ही दिन लेकर के जाता है और उसको ठोक ठाक करके ले आता है। तो उसके पापा कह देते हैं कि अब रो गेट, यानी कि अब रो गेट, यानी कि अब गेट पर ही रोना, अंदर आने की तो जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? बाहर निकालना। जब हम किसी को किसी चीज से बाहर निकाल देते हैं, मान लो कि दो लोग हैं, वो आपस में बिजनेस, दोनों लोगों पार्टनरशिप में दो लोग आपस में बिजनेस कर रहे थे, और उनमें से किसी, अपन कह सकते हैं कि किसी एक ने किसी को बाहर निकाल दिया, तो वहां पर हम इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। वर्ड कौन सा हो जाएगा? यूज एब्रोगेट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की अगर मैं बात कर रही हूं, और जो लास्ट वर्ड है हमारा आज का, दैट इज ट्रैंक्विल। तो ट्रेन तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ट्रेन ही है। और क्विल जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं, इसका मीनिंग हो जाता है, क्विल को अगर देखो, क्यू यू को मैंने कू लिख लिया और एल आई को मैंने जस्ट उल्टा किया, तो एल आई क्या हो गया? ली हो गया। यानी कि यहां पर मैंने एक शब्द बना लिया, कुली। अब आजकल तो इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है कुलीज वगैरह की, लेकिन पहले जो कुली थे वो बहुत सारा सामान रख करके सिर पे जाते थे, और ट्रेन्स वगैरह में भीड़ भी बहुत ज्यादा होती थी, तो दो लोग आपस में झगड़ते थे, तो दो लोग झगड़ रहे हैं बट उनके आसपास सराउंडिंग्स में बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाया करती थी। तो कुलियों को क्या होती थी? सामान को लेकर जाने आने में दिक्कत हो रही है, ऑब्वियस सी बात है। तो कुली क्या करेंगे? लोगों को शांत कराने की कोशिश करेंगे, अरे भैया कोई बात नहीं, आप शांत हो जाओ, आप भी शांत हो जाओ। यानी कि ट्रेन कुल का मतलब क्या हो गया? कुली जो है वो ट्रेन में लोगों को क्या करा रहे हैं? शांत करा रहे हैं। तो ट्रेन क्विल का मीनिंग क्या होता है? शांत, ऐसी जगह जहां बहुत ही शांति है, आप कह सकते हो दैट वॉज एन ट्रेन क्विल प्लेस। ठीक है, वो ऐसी जगह थी जो बिल्कुल शांति। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वर्ड्स समझ में आए होंगे और पढ़ने में डेफिनेटली मजा भी आया होगा। तो अगर आपको वास्तव में मजा आ रहा है तो वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।